ये Y93 हॉट मॉडल है और ये केरोजी मॉडल है। ये मार्किंग हो रखी है, कुछ हमें कवर करना पड़ता है कंपनी के। अभी आप जैसे नोट 5 प्रो है, हमारे पास ये केरोजी माल भी है। अगर कुछ मॉडल तो हमारे डायरेक्ट कंपनी से परचेज है, ना कि हमारे पास लोकल चाइना से परचेज है, कुछ मॉडल डायरेक्ट इंडिया से लोकल परचेज है। तो ये केयर ओरिजिनल बिल्कुल सर मार्केट के कॉपी वाले से सस्ता, बिल्कुल 300-400 रुपए सस्ता। ये देखिए सर क्वालिटी, जो इन्फिनिक्स टेक्नो में 99% मॉडल आपको यही क्वालिटी मिलेगी। हम ये भी केयर ओरिजिनल माल है, कॉपी के ही प्राइस पे। स्पार्क 7, स्पार्क 70 मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, सब लोग KE5 का फोल्डर दे देंगे। ये माल देख के जो भी भाई जिसको नॉलेज है ओरिजिनल के बारे में कौन सा प्रोडक्ट है, ये 100% ओरिजिनल है। लेकिन आप कंपैरिजन कर सकते हो यूएसए प्राइस लेके कि ये कॉपी में और ओरिजिनल में कितना डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा डिमांड में आपको पता भी होगा GX की क्वालिटी है, GX OLED आईफोन के अंदर, X से लेके एक्सेस मैक्स 12 प्रो 12 प्रो मैक्स, ये आप चेक करते हो। MI 9A और पोको C3 5-6 मॉडल में काम करता है। तो गाइज आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ, जो मेरे भाई एक दो पीस में इंटरेस्टेड रखते हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि एक दो पीस नहीं मिलने वाले। ये जो वीडियो रहने वाली है होलसेलरों के लिए लेने वाली है, और यहाँ पर केयर ओरिजिनल जो होता है मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं इस टाइम पर खड़ा हूँ दिल्ली करोलबाग गफ्फार मार्केट के अंदर, और मैं आपको लेकर आऊँ UV फोल्डर पर। यहाँ पर मैं आपको केयर ओजी में क्या क्या दिखाने वाला हूँ, चलिए मैं आपको गिना देता हूँ। C3 मिलने वाला है, ये 12 मॉडल के अंदर सपोर्ट करता है। उसके बाद MI Note 5 Pro मिलने वाला है, ये भी आपको मिलने वाला है। तो ये जैसे कि देख रहे हैं M02S, ये भी केयर ओरिजिनल मिलने वाला है। और इसके ऊपर जो आ जाता है Spark 7 आ जाता है, ये भी केयर ओरिजिनल मिलने वाला है। फिर ऊपर से ये आ जाता है सेम A12 और A32, ये भी आपको केयर ओरिजिनल मिलने वाला है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं 659 मिलने वाला है, ये भी केयर ओरिजिनल मिलने वाला है। उसके बाद ये आ जाता है वीवो के मॉडल आ जाते हैं Y95 Y91 करके आता है, ये भी केयर ओरिजिनल मिलने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं MI 9A मिलने वाला है, ये भी आपको केयर ओरिजिनल मिलने वाला है। उसके ऊपर आ जाते हैं फिर ये देख रहे हैं Hot 10S देख रहे हैं, ये भी आपको केयर ओरिजिनल मिलने वाला है। इसके बाद ऊपर देख रहे हैं, ये भी आपको केयर ओरिजिनल मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ वाली बात करें, ये भी केयर ओरिजिनल मिलने वाला है। ये मतलब जितना माल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा का सारा केयर ओरिजिनल मिलने वाला है। आप अगर देखना चाहते हैं डिटेलिंग में, मैं शॉप के ओनर से आपको मिलाता हूँ। वीडियो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, वीडियो में फिर मैं आपको बता रहा हूँ रिप्लेसमेंट क्या रहने वाली है, वारंटी क्या रहने वाली है, गारंटी क्या रहने वाली है। पूरा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा किस आइटम की कितने टाइम की वारंटी और गारंटी रहने वाली है। ऑर्डर आपको करने के लिए जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से मॉडल कब कब नए अपडेट हो जाते हैं उसका टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं टाइम बिल्कुल खराब ना करते हुए वीडियो स्टार्ट ही कर देता हूं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए, शायद किसी और भाई के काम आ जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आपके मेरे पास काफी सारे कमेंट आ रहे थे, सर मार्केट के अंदर कोई फोल्डर की शॉप दिखाइए और ऐसी शॉप दिखाइए जिसमें कि हमें बिना डाउट बिना किसी टेंशन के वहां पर हम अपना पैसा ट्रांसफर करें और हमें घर बैठे माल मिल जाए। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक शॉप पर लेकर आ गया हूँ। यहाँ की मैंने इससे पहले भी कम से कम 4-5 वीडियो पहले बना रखी है, जिन्होंने नहीं देखी वो UV फोल्डर के नाम से सर्च मार के वो भी देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। काफी टाइम के बाद ऐसा होता है एक फोल्डर हमारे 3-4 मॉडल के अंदर भी चल जाता है, वो भी इस विषय में हम आज यहाँ पर बात करने वाले। उसके अलावा यहाँ पर काफी सारी चीजें और भी हैं जो कि आपको मिलने वाली है, वो भी हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको ओजी तो मिलेगा ही मिलेगा, ओजी के साथ साथ जिन भाइयों का बजट थोड़ा सा कम होता है तो कॉपी के अंदर भी आपको A1 क्वालिटी मिलने वाली है। तो भैया जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, ये हमें बताने वाले हैं कि 1x1 किसके अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली है, और जो भी कोशिश हो सकेगा तो हम आपको रेट भी बताएंगे, मगर रेट के लिए सबका रेट नहीं बता सकते क्योंकि ये वीडियो हमारा भाई एंड कस्टमर भी देख रहा होता है। आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर किस प्राइस में आपको फोल्डर मिलने वाला है। फोल्डर के साथ साथ आपको यहाँ पर टच भी मिलने वाली है, और टच के साथ साथ यहाँ पर आपको ग्लास भी मिलने वाला है। अगर आप सिंगल पीस की पैकिंग चाहते हैं तो वो सिंगल पीस की पैकिंग भी मिल जाती है, बाकी किस हिसाब से ये आपको मिलने वाला है। तो शॉप के ओनर हमारे साथ हैं, ये हमें आज भैया बताएंगे कि किस फोल्डर का क्या प्राइस रहने वाला है और किस तरीके से आपको मिल सकता है। तो भैया जी आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, काफी टाइम के बाद आप वीडियो में आ रहे हैं सर जी। तो आप हमें बताइए हमारे भाइयों को कि ये जो आपके पास माल है ये हमारे भाई कैसे परचेस कर सकते हैं। बाकी आपकी क्वालिटी की तो मैं दाद देता हूँ कि क्योंकि हमें तो पता चलता है, हमारे कमेंट से पता चलता है, जो हमारे भाई फोल्डर वगैरह आपका यूज़ करते हैं वो हमें कमेंट कर देते हैं कि क्या क्वालिटी है और क्या नहीं है जी। समीर भाई क्वालिटी के बारे में तो आपने पहले भी कई वीडियो डाली है और
कोई भी कमेंट्स आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है? बिल्कुल सर, बाकी जो भी आज तक हमने जो भी प्रोडक्ट बेचा है वो भी कॉन्फिडेंस से बेचा है, और क्योंकि कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि हमें क्वालिटी पे अपनी पे भरोसा है। बिल्कुल, परचेजिंग हम कभी भी हल्की करते ही नहीं है, क्वालिटी, क्योंकि कस्टमर क्या है, एक बार थोड़ा महंगा जरूर होगा, सस्ता नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस होगा। ओके, बट वो ट्रस्ट एक बार कस्टमर जुड़ जाता है वो कभी भी कहीं जाता नहीं है, क्योंकि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। एक बार कस्टमर जुड़ गया तो हमेशा जुड़ा ही रहता है, यूवी की यही खासियत है। जी सर, तो सर आज जो स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, और कॉपी और ओरिजिनल जो होता है उसके बारे में भी बताइए सर। सर अभी आपको पता है मार्केट के अंदर तो हर एक मॉडल के हिसाब से प्राइस है, लेकिन कुछ मॉडल हम जो यूवी बेचता है वो ज़्यादातर जो मॉडल है अगर वो दो मॉडल में काम करने वाला है तो सिर्फ दो मॉडल वाले पैसे लेते हैं। ये नहीं कि अगर कोई 1000 रुपये का फोल्डर है और दो मॉडल में काम करता है तो सिर्फ 1000 लेते हैं। ये नहीं कि मैंने Y93 या Y91 में सिर्फ काम करता है और मैंने 18 मॉडल आपको बता दिए, काम करेगा दो में और पैसे ले लिए मैंने आपसे 2000 रुपये, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अगर 18 मॉडल वर्जन वाला हमारे पास फोल्डर है तो 18 वाला ही देते हैं, और पैसे जो जेन्युइन है, जो एक मिनिमम प्राइस है उस पे है। प्राइस आप बाजार में भी ट्राई कर सकते हैं और क्वालिटी भी ट्राई करने के बाद आपको प्राइस और क्वालिटी दोनों में बेहतर पाओगे। आप कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं कर, जो हमारी क्वालिटी है वो कंपनी के मटेरियल से क्वालिटी मैच कर सकते हो। जो भी 99% मॉडल है अगर उसके सभी के अंदर LCD ओरिजिनल लगी हुई है, बट अगर कुछ मॉडल तो हमारे डायरेक्ट कंपनी से परचेज है, ना कि हमारे पास लोकल चाइना से परचेज है, कुछ मॉडल डायरेक्ट इंडिया से लोकल परचेज है और जो कंपनी के वो प्रोडक्ट है सेम मैच टू मैच कर सकते हैं, आप क्वालिटी भी मैच कर सकते हैं। जो मेन क्या है LCD में फोल्डर के अंदर, LCD ब्राइटनेस का इम्पोर्टेंट रोल है, वो ब्राइटनेस जो है, जो क्वालिटी है वो सेम एज ओरिजिनल है। तो सर जैसे हम फर्स्ट टाइम फोन परचेज करते हैं हमारी जो टच स्मूथ जो चलती है बिल्कुल, तो अगर आपका कोई फोल्डर लगाते हैं तो उसके अंदर भी वही? बिल्कुल सर, आप 2-3 क्वालिटी है यूवी के पास, आप अगर ओरिजिनल खरीदना चाहते हैं बिल्कुल फील सेम टू द ओरिजिनल, जो कंपनी में 3500-4000 रुपये का फोल्डर है वो आपको फील लेना चाहते हो वो वाला भी माल है। उससे थोड़ा सा अगर जो भाई कस्टमर थोड़ा सा उनका बजट है या एरिया के हिसाब से थोड़ी, क्योंकि हर एक एरिया में अलग डिमांड है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा क्वालिटी उसके आगे कंपैरिजन थोड़ी सी डाउन है, बट हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है जो बिल्कुल आज लगाए कस्टमर को 2-3 दिन बाद खराब हो जाए, ऐसा प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है, हमें बिजनेस नहीं करना उस प्रकार के प्रोडक्ट बेच के। तो सर दिखाएंगे आप हमें? सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबसे पहले जो आज इंडिया की मार्केट में Y93 सबसे हॉट मॉडल है, ये Y93 हॉट मॉडल है और ये केरोजी मॉडल है, ये मार्किंग हो रखी है, कुछ हमें कवर करना पड़ता है कंपनी के जो लोगो वगैरह है, हमें रूल्स के अंडर में काम करना पड़ता है। ये केरोजी है, यहाँ पे भी लोगो लगा होता है, यहाँ पे भी लोगो लगा होता है, और ये क्वालिटी लगने के बाद आपको पता चल जाएगी। मेन क्या है, कुछ लोग केरोजी पे भी ये डायमंड लगा दिया स्टिकर या कुछ और लगा दिया, लिख देते कुछ भी देते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्वालिटी जो हम आपको बोल के देंगे वही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे सिस्टम में ये एक अपग्रेड हुआ है। कस्टमर क्या परेशान होता रहता था, कुछ भाइयों की दुकान पे ओनर बैठे हैं, आज ओनर नहीं है, पीछे स्टाफ, क्योंकि मेन क्या होता है प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दुकान में एक या दो बंदों को होती है, 6-7 बंदों को सबको नहीं होती है, तो वो पीछे परेशान रहता था, कॉल करता है वो बाहर है, क्या कौन सा मॉडल है भाई, मुझे तो शक्ल पहचानने में नहीं। लेकिन यूवी में सबसे अपडेट, हर एक फोल्डर पर आपको बार कोड मिलेगा लगा हुआ, ये आप चेक कर सकते हो, और मॉडल नंबर भी लिखा होगा, तो 3-4 जितने भी मॉडल लिखे जा सकते हैं बारकोड में हम लिख देते हैं, हर एक पीस पे लगा होता है, कस्टमर को परेशान नहीं, उसके काम पीछे दुकान पे है या नहीं है उसके काम का लॉस नहीं होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे अभी आपने ये बताया केयर ओरिजिनल है, इसका अगर किसी का बजट नहीं है थोड़ा नीचे वाला लेना चाहता है तो वो भी मिलता है आपके पास? वो भी मेरे पास मिल जाएगा, वो भी मैं आपको क्वालिटी देता हूँ और किसी भी प्रकार की उसमें भी कंप्लेंट नहीं है। मैं आपको सीरीज आपको दिखा देता हूँ, X688 में BA और BC आते हैं, तीनों वर्जन में हमारा सपोर्ट है क्योंकि कंपनी का माल है। फिर इन्फिनिक्स के अंदर और भी मैं आपको वैरायटी दिखाता हूँ, ये X689 है, Hot 10S मार्केट के अंदर कोई भी फोल्डर है कम से कम हमारे प्राइस से 300-400 रुपये महंगा है। ओके, पर पीस हमारा सस्ता प्राइस है, और दूसरी बात इम्पोर्टेंट कि कंपनी का माल है ओरिजिनल। ओके, 100 पीस बेचोगे आधा भी वापसी नहीं आएगा। तो ये केयर ओरिजिनल बिल्कुल सर, मार्केट के कॉपी वाले से सस्ता, बिल्कुल 300-400 रुपये सस्ता। ये देखिए सर क्वालिटी,
जो इन्फिनिक्स टेक्नो में 99% मॉडल आपको यही क्वालिटी मिलेगी हमारे पास। ओके। और ये अपडेट ये है कि सारे मॉडल्स हमारे पास मेंशन होंगे बारकोड पे, क्या मॉडल नंबर क्या नहीं है, जिसमें लगता है वो सब हम आपको लिस्ट प्रोवाइड देंगे कि एक मॉडल कई मॉडलों में 8-10 मॉडलों में लगता है। मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ कि ये इस मॉडल पे, क्योंकि बारकोड में पूरे मॉडल्स नहीं आते हैं। तो कुछ भाई होते हैं हमारे 100-150 मॉडल के फोल्डर एक साथ परचेस करते हैं, तो सर क्या इसके अंदर कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह भी होती है? सर रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, तीन महीने के आसपास रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। बाकी जो हमारा कंटिन्यू बिजनेस होता रहता है, हम आपस की अंडरस्टैंडिंग भी डिपेंड करती है। तो कंडीशन उसके अंदर एक होती है, मैं आपको बता देता हूँ, एक तो एक वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए, और पीछे ऐसा होता है कई भाई हमारे टेक्नीशियन नए होते हैं वो लगाते वक्त लेंस ब्रेक कर देते हैं या लाइनिंग आ जाती है, तो देखो यार उसके लिए आप भी समझदार हो, तो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है। कहीं आप ये ना बोलें कि सर ने तो बोल दिया था वीडियो में 3 महीने की वारंटी है और हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। इसलिए वीडियो को मैं जितना हो सकता है क्लियरली बनाकर चलता हूँ, जिससे कि आपको बेनिफिट होना चाहिए। और हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो प्रीमियम क्वालिटी है। आपको पैकिंग तो आपको दिखाई दे, पैकिंग पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अंदर से आप मटेरियल देखोगे उसकी जो फ़ोन में लगाने के बाद डिस्प्ले की जो क्लियरिटी है, कोई ए बी सी ग्रेड कोई डॉट वाला माल नहीं होगा। सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट होंगे वो ए ग्रेड के होंगे। ये पैकिंग है, ये माल है आपका J7 Pro OLED, आप ये चेक कर सकते हो। तो जो भी है प्रोडक्ट वो सब हाई ग्रेड क्वालिटी है। और सर आपको और बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास, ए जैसे C7 Pro है मार्केट के अंदर ना, स्मॉल OLED अवेलेबल है। ओके। ये क्या करते हैं, प्राइस UV का कंपैरिजन करेंगे, C7 Pro OLED का क्या रेट है। जस्ट कस्टमर ये पूछता है, कस्टमर ये नहीं पूछता आपके पास कौन से साइज की OLED है। अच्छा। आपके पास कौन सी क्वालिटी, ए ग्रेड है बी ग्रेड है। तो यूवी के पास पहली बात बी ग्रेड में काम ही नहीं करते हम, ए ग्रेड है। सेकेंड बात, जो स्मॉल OLED है वो बेचते ही नहीं है। ओके। या तो फुल साइज है या मीडियम साइज है। ये आप देखो सर कितनी प्यारी OLED है C7 Pro की, आप इसको चेक कर सकते हो। कोई भी चीज़ फुल साइज है, कोई स्मॉल नहीं है। C9 Pro में और A9 Pro के अंदर मीडियम साइज होता है, सबसे स्मॉल कस्टमर नहीं लेता है, तो वो TFT के रेट में आ जाती है मीडियम साइज। थोड़ा सा 100-200 महंगे होता है, बट कस्टमर एक्सेप्ट करता है। तो सर एक चीज बताइए मुझे, ब्राइटनेस कैसी रहने वाली है? सर ब्राइटनेस जो भी हमारी यूवी के पास जो भी प्रोडक्ट है फोल्डर के अंदर, हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं सेल करते कि जो ओरिजिनल के लेवल ना टच करता हो। सारे प्रोडक्ट जो ब्राइटनेस है वो सारे मैच करते हैं ओरिजिनल LCD से। बट आपको और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी, तो हमारे पास कंपनी लेवल की क्वालिटी भी है सब, उनमें थोड़ा जैसे भी आप प्राइस डिफरेंस आते चले जाएंगे जो आप प्राइस करेंगे। बाकी बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी नहीं सेल करते हैं। दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी आप इन्फिनिक्स Spark 7, Spark 70 मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। सब लोग KE5 का फोल्डर दे देंगे। ओके। सब लोग KE5 का दे देंगे, बहुत सस्ता फोल्डर है, बट वो वर्क करेगा ही नहीं, LCD ब्लैंक आएगी। लेकिन UV पे ऐसा नहीं है, ये भी कंपनी का माल है और कॉपी के रेट के आसपास ही है। ये आप दे सकते हो Spark 7। तो भाई यहाँ पर आपको जो बताया जाएगा वही मिलेगा, और 100 अगर ओरिजिनल बताया जा रहा है तो आपको 100 ओरिजिनल यहाँ पर मिलने वाला है। फोन था आपको, मैं और भी प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ, और बहुत सारी लंबी रेंज है, वीडियो के अंदर सारे मॉडल्स नहीं दिखा सकता, लेकिन 2-4 गिनती के मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो ये प्रोडक्ट है आपका A02S M02S, आप ये चेक कर सकते हो। सब हमारे बारकोड 1x1 मॉडल नंबर सब लिखे होंगे। पहली बात तो ये बहुत सुंदर बात है, और ये माल देख के जो भी भाई जिसको नॉलेज है ओरिजिनल के बारे में कौन सा प्रोडक्ट है, ये 100% ओरिजिनल है। लेकिन आप कंपैरिजन कर सकते हो यू से प्राइस लेके कि ये कॉपी में और ओरिजिनल में कितना डिफरेंस है, पता चल जाएगा कि 99% तो हमारे प्राइस ओरिजिनल के ही सस्ते होंगे कॉपी से। रियलमी C21Y C25Y, आप इसमें कंपनी का माल है लेकिन कॉपी के रेट पे है, ये भी बहुत सस्ता है। पैकिंग भी ये विद फ्रेम है, कोई असेंबल्ड माल नहीं है कि मैंने फ्रेम अलग से परचेज किया, डिस्प्ले अलग से और उसको चिपका दिया, ऐसा कोई काम नहीं करते, ना हमारे पास समय है सर। ठीक है सर, ये जो भी है वो जैसा आता है ऐसा सेल करते हैं कंपनी से वो। तो ये भी 100 OG भी है? बिल्कुल सर, कंपनी का है ये। मार्केट में अगर हमारे प्राइस में और मार्केट के प्राइस में 600 रुपये का डिफरेंस है पर पीस का। अगर कोई मेरा 19-20 टोटल बिल बनवाएगा, 10-20 रुपये कहीं मेरा एक कॉपी फोल्डर में रेट डिफरेंस रहता है, तो कहीं ओरिजिनल में 500-600 का गैप, वो 10-50 फोल्डर का भी गैप पूरा कर देता है। एक आपके पास अभी जो मॉडल ट्रेंड में है, लेटेस्ट मॉडल है, लोग कन्फ्यूज रहते हैं Redmi Note 10 की सीरीज में। ओके। Redmi Note 10 के अंदर 5G आता है, Redmi Note 10 4G आता है, और MI 10 भी आता है, MI Note 10। तो
तीन मॉडल आते हैं उनके अंदर 4G, 3G और 5G ऐसे मॉडल आते हैं, उनमें हमारे यहाँ कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। जो इंडिया में लॉन्च मॉडल है, कस्टमर ने जो मांगा है, हमें पता है कि इंडिया में क्या लॉन्च प्रोडक्ट है, तो वही मंगाते हैं और वही उसी के हिसाब से क्वालिटी। LCD फुल साइज चाहिए उसको फुल साइज मिलेगी, स्मॉल में चाहिए स्मॉल बोल के देंगे, उसी का प्राइस लेंगे बिल्कुल, अगर हमारे पास है तो। स्मॉल वैसे बहुत कम डील करते हैं, बाकी यूपी से लेने का आपको यही बेनिफिट है। अभी जैसे भैया ने बिल्कुल क्लियर बताया कि स्मॉल है तो स्मॉल बता कर देंगे, मार्केट के अंदर ये अक्सर होता है कि आप ऑर्डर लिखवा देते हैं, वो आपको स्मॉल है तो स्मॉल भेज देंगे उसी भाव में, फुल है तो फुल भेज देंगे, आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा समीर भाई, दूसरी एक और चीज़, हमारे जो भी यूई से बिल आएंगे ना आपको बन के, इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप बाजार में किसी को ऑर्डर, आपको चाहिए ब्लैक कलर, आपके शॉप पे व्हाइट पड़ा है, आपने दिल्ली ऑर्डर किया मार्केट में किसी को भी, आपने बोला मेरे को ये MI6 से ब्लैक कलर चाहिए, अब उसके बाद व्हाइट पड़ा है दुकानदार का, वो क्या करेगा, बिल में तो आपको पता ही नहीं चला कौन सा कलर दिया है उसने, डाला उसके अंदर जो आपके पास आपके शॉप में पड़ा था वही कलर दिल्ली से भेज दिया, जब आपके पास पहुँच जाता है आप सोचते हो यार बेच लेंगे कोई बात नहीं है, बट यूई पे ऐसा नहीं, आपके बिल में क्लियर मेंशन आएगा, देखो बार कार्ड में भी क्लियर मेंशन है ये ब्लैक कलर A50 या XYZ जो भी कलर होगा उसका बिल में भी आपको कलर टू कलर मेंशन होगा, ऐसा नहीं कि आपने मांगा व्हाइट मैंने ब्लैक डाल दिया जबरदस्ती, कलर बिल में मेंशन होगा, देखो कलर के साथ बारकोड पे कलर भी लिखा होगा और बिल में भी कलर लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में होगा क्या, शायद ये बॉक्स के ऊपर है, मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपके थोड़ा सा भी डाउट ना रहे कि यार जो बोला भैया ने वो, देखो जो चीज़ भैया ने अभी बाहर बिल पे दिखाई वो आपको सेम अंदर भी दिखने वाली है, ये होती है एक पहचान के। हाँ, अगर किसी आप कंपनी से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यार मैं क्या माल खरीद रहा हूँ और क्या हमारे पास। समीर भाई, आप इस MI Note 10 5G, ओके सर, कस्टमर यही कंफ्यूज रहता है 5G कौन सा है, 4G कौन सा है, ये बहुत कन्फ्यूजन सीरीज चल रही है, ऐसे बहुत सारे मॉडल है A54 4G 5G, अभी लेटेस्ट जो रेंज चल रही है 4G 5G चल रही है, लेकिन हमारे पास इतने लेटेस्ट इंजीनियर हैं वो सबको अपडेट करके रखते हैं, ये 4G और ये 5G है। कस्टमर एक बार जस्ट ये ऑर्डर करेगी हमारे को ये मॉडल चाहिए तो कस्टमर को हम वही मॉडल देते हैं, ये नहीं कि आपने मांगा 4G हमने डाल दिया 5G मांगा, वो आने जाने में ही कस्टमर का लॉस हो जाता है, ब्रेकेज हो जाता है माल और कस्टमर भी चला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी केयर ओरिजिनल माल है, कॉपी के ही प्राइस पे। अगर आप यूवी से कोई भी प्रोडक्ट, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, यूवी के जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो समीर भाई, आप उसमें अगर 100 फोल्डर खरीद रहे हैं जी, तो 40 से 50 फोल्डर तो कंपनी का माल होगा और आपको वो प्राइस मिलेंगे जो कॉपी के रेट पे होंगे हमारे को, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, हम प्राइस चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, इसको थोड़ा महंगा भेज दो, इसको सस्ता भेज दो, चेहरा देख के रेट अलग लगा दो, जो प्राइस है वो हर एक कस्टमर के लिए एक ही है, चेंज नहीं हो सकता कोई। आप अगर बल्क क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसके लिए हम एक अलग डिस्काउंट डालते हैं ना कि प्राइस चेंज करते हैं। ओके। और समीर भाई, हमारे पास और भी बहुत सारे मॉडल हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वालिटी। Y12 फुल साइज बाजार के अंदर, इसमें ना हल्की सी माइनर छोटी LCD भी आती है, Y12 Y15 Y17 U10 बहुत सारे मॉडल में काम करते हैं, लेकिन हमारे जो मॉडल हैं सबको कस्टमर को पता है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक ही होते हैं, यूनिवर्सल नहीं होता तो वो बेचते ही नहीं है मॉडल्स जो भी हैं। ये क्वालिटी आप Y12 15 17 की देख सकते हो, ये चेक करो विदाउट IC। एक्चुअली क्या, जो बड़ी IC फोल्डर्स के अंदर कुछ में होती है तो वो थोड़े से ना क्वालिटी लो होती है, प्राइस भी सस्ते होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंसेस आ जाते हैं क्वालिटी के। ये आप सब बारकोड लगाया, मॉडल नंबर यूनिवर्सल, और बिल में अगर इसमें तीन मॉडल लिखे हैं और बिल में पूरा मेंशन होता है, अगर 12 मॉडल में तो 12 मॉडल्स बिल के अंदर नोट लिखा रहेगा। ऐसे ही मेरे पास बहुत लंबी रेंज है केरोजी की, आप देख सकते हो Redmi Note 9 मार्केट के अंदर उल्टा मेरे पास 60-70 रुपये सस्ता है अकॉर्डिंग टू कॉपी प्राइस। कॉपी अगर कोई 1600 रुपये का फोल्डर है तो मेरे पास ये 50-60 सस्ता ही होगा, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस नहीं है ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं एक राउंड फिगर रेट बता रहा हूँ ये, लेकिन मैं आपको अगर आप ओरिजिनल से कंपेरिजन करोगे ये प्राइस तो कम से कम 600 रुपये सस्ता है, 600 रुपये 600 अगर ओरिजिनल से कंपनी का फोल्डर, और ये सेम है, ये कंपनी का ही माल है। ओके। लेकिन मैं कॉपी से फोल्डर को कंपैरिजन करता हूँ क्योंकि कस्टमर खरीद सके, मेरा ओरिजिनल माल ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके, और ये वजह कस्टमर का तो प्रॉफिट होगा ही, सेकंड मेरे को फायदा क्या होगा, मेरा कस्टमर ना याद करता है कि वो मैंने यूवी से कमाया है कुछ प्रॉफिट, जो 10 साल में नहीं कमाया वो 2 साल में बना लूं। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही होना चाहिए। और ये क्वालिटी है, ये आप क्वालिटी जो भी भाई वीडियो आपके देखते हैं, जो भी दर्शक आपके हैं, उनको देख के समझ आ जाएगा कि मैं क्या प्रोडक्ट हमारी कंपनी रखती है। समीर भाई, अभी मार्केट के अंदर ना 2-3 तरह की क्वालिटी आ रही है। अभी आप जैसे Note 5 Pro है, हमारे पास ये केरोजी माल भी है,
ये देखो बहुत स्मॉल आई सी, एकदम जैसे ओरिजिनल आता है सेम एज एक प्रोडक्ट। ये केयरोजी है, जो भी यहाँ पे आप फ्लैक्स देख सकते हो, डिफरेंस जैसा कंपनी से आता है। ये चाइनोजी प्रोडक्ट है, आप इसमें चेक कर सकते हो, ये डिफरेंस है और यहाँ पे इस पर फ्लैक्स में अलग डिफरेंस आ रहा है। ये फ़र्क है केयरोजी डायमंड का, ये डायमंड वाला माल है, ये केयरोजी है। इस चीज़ में फ़र्क है प्रोडक्ट्स के अंदर। और आप सबसे बात जो है, जैसे A02, M02, A12, M12, इन कस्टमर्स के अंदर क्या होता है, अगर मैं खाली A12 का स्ट्रोक मंगा दूं तो 200-300 रुपए पर सस्ता मिलता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मंगाते। आप इसमें चेक कर सकते हो, मॉडल के ऊपर भी आपको क्वालिटी देख के ही आपको समझ आ जाएगी, हाथ में लेके इसकी फिनिशिंग प्रोडक्ट की क्या है, ये क्वालिटी क्या नहीं है। आपको ये जो चीज़ है ये ओरिजिनल है और इस पर मॉडल नंबर मेंशन है A02, M02, A12, M12, क्लियरली मॉडल लिखे हुए। जितने मॉडल में वर्क करेगा वो सब कुछ बिल में मेंशन होगा या बारकोड में मेंशन होगा। यही ऐसे ही हुई को ये चीज़ डिफरेंस आगे लेके जाती है। बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत क्लियर बिजनेस करते हैं, कोई भी छुपाव वाला कुछ भी नहीं है, जो भी है कस्टमर के सामने ओपन करके बात करते हैं। तो मेरे भाई, जो जो सोच रहे थे यार हम दिल्ली ऑर्डर दें हमें फोल्डर मंगाने के लिए, तो आप यहाँ पर जल्दी से ऑर्डर दीजिए। आप ये मत सोचिए यार 50 रुपये का डिफरेंस है या 40 रुपये का डिफरेंस है, उसको एक तरफ निकाल दीजिए। जब आप टोटल बिल बनाएंगे और अगर आपने मार्केट से माल परचेस किया तब आप इनसे कंपेरिजन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सर कहीं ना कहीं पर सस्ता ही आपको मिलने वाला है। दूसरी बात यह कि रिप्लेसमेंट में यहाँ पर कोई भी टेंशनबाजी नहीं है, रिप्लेसमेंट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। आप और भी क्वालिटी, आप बहुत लंबी रेंज है, मैं कुछ सैंपल्स जो मैंने टेबल पे रखे हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप चेक करते हो, MI 9A और POCO C3, 5-6 मॉडल में काम करता है। एक फोल्डर 5-6 मॉडल में ये काम करने वाला है, जितने भी मॉडल में ये आता है, जो ये साइज की जो फ्लैक्स है जिसमें ये फिट होता है, सब में वर्जन में सपोर्टेड है। ओके, कोई भी मॉडल हम ऐसा नहीं करते कि इस वर्जन में सपोर्ट हो नहीं हो, ऐसा मॉडल नहीं खरीदते। थोड़ा 10-5 रुपए महंगा सस्ता हो, बट कस्टमर को एक मॉडल, एक पीस रखने से 12 मॉडल, अगर 12 कस्टमर आगे ये मॉडल नहीं, ये वाला C3 वाला फोल्डर जो है, Realme 5 वाला Realme 5i, ये A11, तो कोई ना कोई कस्टमर आएगा, वो मॉडल बिक जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो क्वालिटी है सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कस्टमर को उसको फीलिंग वो देना है जैसा वो चला रहा था। तो वो हमारी जो क्वालिटी है वो 90% मॉडल्स वही फीलिंग देती है। यही है मेन डिफरेंस, यही है फोल्डर बेचने का टारगेट कस्टमर्स को, तभी तो कस्टमर वापसी आएगा। आपने भी कॉपी बेचा, साइड वाले ने भी कॉपी बेचा, तो फायदा क्या है आपको। और समीर भाई, थोड़ा सा आपको मैं ज्यादा और सैंपल नहीं दिखाऊंगा, आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। बिल्कुल सर, कुछ 2-3 बॉक्स हैं टचों के, मैं आपको सैंपल्स दिखा देता हूँ। रेंज हमारे पास हर एक चीज में बहुत रखते हैं, जो भी UV प्रोडक्ट बेचते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रेंज पे याद रखते हैं। ये नहीं है हमारा टारगेट की 2-4 मॉडल बेचे और प्रॉफिट ये ले ले। ये MI Note 4X की टच है। आप नोट 4X की टच, इम्पोर्टेंट टचों के अंदर क्या होता है, टच के अंदर ना डॉट आता है हल्का, जब हम इस पन्नी को उठा देंगे, जो ये पन्नी होती है ना दोनों साइड, ये चीज़ इस साइड, ये अंदर की साइड से भी हटाएंगे और बाहर की साइड से भी हटाएंगे, ये ग्लास का मेन ट्रांसपेरेंट चीज़ है, इसके अंदर डस्ट नहीं आनी चाहिए। और समीर भाई, आप तो खुद पहले हर चीज़ के बारे में टेक्निकली आपको इस चीज़ के बारे में बहुत जानते हो, आप ये खुद देख भी सकते हो। वो लाइन, वो जाल होता है, जाल सर वो तो किसी हमारी कॉपी टच से लेको, थर्ड ग्रेड भी टच होगी ना UV पे, उस लेवल की टच बेचते ही नहीं, वो भूल जाइए, उस बारे में सोचो भी मत। हम नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हैं, बहुत हाई लेवल पे, बहुत माइनर लेवल पे। आपको, आप किसी, आप लेंस से भी चेक करोगे, कोई डॉट नहीं देख सकते आप इसके अंदर। ओके, और कर्व वगैरह भी मैं जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ, कर्व भी मिलने वाला है, जो प्रॉपर शाइनिंग होनी चाहिए वो शाइनिंग भी मैं इसके अंदर देख पा रहा हूँ, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे। आप सैंपल के लिए थोड़ा सा माल मंगाइए, आप ये मत सोचिए कि माल आएगा तो किस टाइप से आएगा, आप सैंपल के लिए थोड़ा सा माल मंगाइए, उसके बाद आपको क्वालिटी समझ में आती है तो आप जितना चाहे मंगा सकते हैं। 6 मंथ वारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है वो रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी। तो ये भी स्मूथ वैसी ही चलेगी, स्मूथ फीलिंग आपको, फीलिंग के साथ, जो हमारा टारगेट, जो भी प्रोडक्ट है जो कस्टमर पहले से फ़ोन में यूज़ कर रहा है, अगर वो फीलिंग ना आए तो मज़ा ही नहीं है। ये आप चेक कर सकते हो, Y55 की टच है, आप ये चेक कर सकते हो, ये क्वालिटी है।
तो टच वगैरह सर स्टार्टिंग क्या रह जाती है प्राइस में? जैसे सर टच की प्राइस 70 रुपीज से हमारे पास टच की रेंज है, 70 रुपए से लेके 100 रुपए के अंदर 90% मॉडल कवर हो जाते हैं। समीर भाई, अब मैंने आपको टच के सैंपल ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। बिल्कुल सर। भाई हमारे पास आईफोन के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन मैं हायर मॉडल में हम ज्यादा काम करते हैं आईफोन के अंदर। छोटे मॉडल भी हैं लेकिन हायर मॉडल आजकल क्योंकि आईफोन के अंदर वही सेल हो रहे हैं तो उन्हीं के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा डिमांड में आपको पता भी होगा GX की क्वालिटी है, GX OLED आईफोन के अंदर, X से लेके एक्सेस मैक्स 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, ओके 13 तक हमारे पास सीरीज, अभी 13 की नेक्स्ट वीक में माल आने वाला है, लेकिन 12 प्रो तक हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। एक्सेस मैक्स और XR सब हमारे पास क्वालिटी अवेलेबल है, और जो GX में प्रोडक्ट आते हैं वो भी अवेलेबल है। जो इनसेल है, जो भाई सस्ता प्रोडक्ट चाहिए वो सस्ता भी ले सकता है, इनसेल क्वालिटी, उनमें भी किसी में भी 0% रिप्लेसमेंट है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं आती। आईफोन X इनसेल ले लो आप GX OLED ले लो, हैक्स OLED ले लो, कोई भी ब्रांड में लोगे कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगी हमारे पास, क्योंकि जो भी हायर मॉडल होते हैं वो हम 90% टेस्टिंग नहीं करते, 101% दो दो बार टेस्टिंग होती है। हमारा ऑफिस है चाइना के अंदर, सारा टेस्टिंग होता है, स्टाफ है, सब हैंडल करता है 1x1 टेस्ट, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास मिट्सुबिशी के ओरिजिनल ग्लास है, ओके मिट्सुबिशी के, कोई भी अदर ब्रांड, मैं अपने UV के नाम से भी नहीं पैकिंग बनवाता, पैकिंग वगैरह पे मैं ग्लास की, क्योंकि ग्लास ऑलरेडी इतनी सस्ती आइटम है, 40 रुपए की रेंज के आसपास की है, मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं दे सकता वीडियो के अंदर, क्योंकि फ्लक्चुएशन कल हो जाए तो आप मुझे पकड़ लोगे, यार आपने मेरे सब्सक्राइबर को बोला कि इतने में दूंगा मैं चीज़, और मैं फिर दे नहीं रहा हूँ, ये गलत है। आप मुझे पता है आपने सब्सक्राइब के लिए झगड़ा कर लेते हो, ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं दूंगा क्योंकि प्राइस चेंज होते रहते हैं। ये 100% मिट्सुबिशी की पैकिंग है और मिट्सुबिशी का ही प्रोडक्ट है, कोई भी बी ग्रेड में नहीं, ऑलरेडी आपको पन्नी हटा के दिखा चुका, कोई डस्ट लेवल, हम उस लेवल पे बात करते हैं जिस लेवल पे आप नहीं करते हो, बिल्कुल हम उससे आगे बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी डस्ट नहीं होगी, कोई भी किसी प्रकार का, सारा ए प्रोडक्ट, और जितने भी ग्लास हैं उतनी रेंज नहीं होगी जितनी मार्केट में, ये हमारी गारंटी। तो एक चीज बताइए सर, अभी आपने मिट्सुबिशी का ग्लास बताया तो काफी भाई कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या इसके अंदर OCA लगा हुआ है या? बिल्कुल बिल्कुल, OCA ग्लास है ये मिट्सुबिशी का, ओके OCA ही मिट्सुबिशी की आती है, ग्लास मिट्सुबिशी नहीं बनाती है। बिल्कुल, तो ये मैंने क्लियर करा दिया, ये जो आपको मिलने वाला है इसके ऊपर मिट्सुबिशी का OCA लगा हुआ है, जो कि लोकल नहीं होता, वो भी एक ब्रांड है, और ब्रांड क्या आप जब इसे यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा। और जैसे भैया ने बताया कि पैकिंग इसकी क्यों नहीं बनवाते, यार देखो हमारे पास एसेसरीज तो है नहीं है कि हम अपनी शॉप पे पीछे दीवार पर इसको टांग के रखेंगे, हम हमारे पास वैसे ही स्पेस छोटा होता है तो 100-200 गिलास जो भी होते हैं हम अपनी दराज में अच्छे से उसको लगा लेते हैं, इस हिसाब से भैया ने इसकी पैकिंग पतली मतलब छोटी बनवा रखी है। तो इसके अलावा होने के लिए तो यहाँ पर बाकी ग्लास हर एक जो मॉडल है उसमें मॉडल नंबर, बारकोड और पैकिंग सिंगल पीस 1x1 रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो आपको लूज ग्लास मिलेंगे, लेकिन एक बॉक्स के अंदर जो यूवी का ये वाला बॉक्स है इसके अंदर एक ही बॉक्स के अंदर 500 ग्लास आ जाते हैं, स्पेस मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी फायदा है, नहीं तो मैं पार्सल बना के इतना बड़ा पैकेट भेजूंगा तो आपको भी 4 गुना चार्जेज लग जाएंगे। अच्छा, तो गाइस अभी तक आपने देखा यहाँ पर आपको जो भी मैंने चीजें दिखाई, जो 99 और जो 100 है, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी इंक्वायरी चल रही हो तो स्क्रीन के ऊपर सर का नंबर है, डायरेक्ट आप इनसे बात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।